नमस्कार, ठाकुर के बिंदास बोल में मैं उमेश ठाकुर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं ऐसे फिल्म के बारे में चर्चा करने वाला हूं जो मराठी रीजनल फिल्म है और वो जल्दी ही रिलीज होने वाली है। वो फिल्म एक मराठी प्ले पर बेस्ड थी, जो मराठी प्ले बहुत ही हिट रहा है अपने दौर में, जिसमें बहुत ही अच्छी स्टार कास्ट थी। वो तो मैं बताने जाने वाला हूं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं आजकल मराठी फिल्में बनाने लगे हैं। बहुत प्यारी बात है, क्योंकि जिस मुंबई में हम लोग रह रहे हैं, जिस मुंबई में वो अपना करियर कर रहे हैं, उस मुंबई के लिए वो मराठी फिल्में बना रहे हैं और ये बहुत ही सराहनीय बात है। उसके लिए मैं ठाकुर के बिंदास बोल से उमेश ठाकुर आपको सल्यूट करता हूँ। बहुत प्यारी बात है कि आप बड़े बड़े स्टार्स मराठी फिल्मों में इंटरेस्ट है। अब होना नहीं चाहिए, क्योंकि मराठी इंडस्ट्री में जो फिल्में आजकल बन रही हैं वो बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स पर बनती हैं, और इसीलिए मेरे ख्याल से इन बड़े स्टार्स की ये रुचि रही है कि मराठी फिल्म का निर्माण करें। क्योंकि मराठी फिल्म का जो आजकल का ग्राफ देखा गया है तो राष्ट्रीय लेवल पर ही नहीं तो ऑस्कर तक मराठी फिल्में जाने लगी हैं। तो इसीलिए ये जो एक्टर्स हैं ये अपना इंटरेस्ट मराठी फिल्मों में दे रहे हैं, और ये अच्छी बात है, सराहनीय बात है और बहुत प्यारी प्यारी बात है। इसके लिए फिर से मैं उनको सल्यूट करता हूं। तो ये रहा इन प्रोड्यूसर्स इन एक्टर्स की बात, इन्होंने ये जो काम किया है अच्छे काम है। तो ये जो फिल्म बन रही है, इस फिल्म के प्रोड्यूसर है जॉन अब्राहम। जी हाँ, वो ही एकदम मैचो मैन जॉन अब्राहम। बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे प्यारे इंसान हैं। वो मराठी फिल्म बना रहे हैं, और उसके राइटर है उस फिल्म के शेखर तमाणे, और डायरेक्टर है स्वप्ना वाघमारे जोशी। जी हाँ, और इस फिल्म के डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले शिरीष लाडकर जी ने लिखे हैं। ये जे ए एंटरटेनमेंट फिल्म लेकर आ रही है, और ये जो फिल्म है इस फिल्म का नाम है सविता दामोदर परांस पे। जी हाँ, इसी नाम से कुछ साल पहले मराठी प्ले बहुत ही हिट हुआ। इस फिल्म में, इस प्ले में काम करने वाले एक्टर्स थे रीमा लागू, राजन तमाने, उदय लागू। ये प्यारे प्यारे एक्टर्स वो मराठी प्ले करते थे। अब जब प्ले करते हैं तो उसको सीमित जगह होती है, और सीमित जगह होने के बाद एक सेट के अंदर वो इम्पैक्ट लाना ये कोई मामूली बात नहीं। तो लेकिन एक्टर्स अगर कसीले हो, बहुत ही ताकतवर हो, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट ऑडियंस पे पड़ता है। ये जो ड्रामा था उस वक्त हिस्ट्री कर चुका था, और इतने सालों के बाद उसी ड्रामा पे एक फिल्म बन रही है, वो है सविता दामोदर परांस पे, जिसमें काम कर रहे हैं सुबोध भावे जी। जी हाँ, सुबोध भावे जी, तृप्ति मधुकर तोरणमल जी। मधुकर तोरणमल जी एक मराठी के बहुत ही नामचीन एक्टर रहे हैं, बहुत ही आदरणीय व्यक्ति रहे हैं। उनकी बेटी तृप्ति तमाणे इसमें डेब्यू कर रही है, उनको साथ दे राकेश बापट और पल्लवी पाटिल। फिल्म वही है जो ड्रामा घटा है, लेकिन ड्रामा वो था जिसका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल रहा है। उसी इम्पैक्ट को अब हम फिल्म में देखने वाले हैं। सुबोध भावे है, इसका मतलब प्यारा एक्टर है, बहुत अच्छा काम वो करते हैं, और वो प्यारी फिल्म रहेगी, क्योंकि प्ले इतना मजबूत था, इतना बढ़िया था, तो फिल्म अच्छी बननी ही बननी है। जी हाँ, ये हॉरर थ्रिलर इमोशनल अफेक्शनेट फिल्म है सविता दामोदर परांस।
दोस्तों अगर आपको याद होगा तो कुछ साल पहले बॉलीवुड में और साउथ इंडस्ट्री में फिल्में बनी थी चंद्रमुखी और भूल भुलैया, अक्षय कुमार वाली भूल भुलैया। उसमें जो स्टाइल था उसी के आसपास ये फिल्म की कथा है। हालांकि ये प्ले पहला है, उसके बाद ये सब फिल्में बनी हैं। तो पहले शेखर तामानी जी जो उन्होंने जो फिल्म ये जो प्ले लिखा है वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि उसी फिल्म के लाइन को लेकर ये फिल्में शायद बनी होगी, आई डोंट नो। लेकिन ये बहुत प्यारी फिल्म है, बहुत अच्छा इम्पैक्टिव है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट फिल्म का आता है, बहुत अच्छा थ्रिलर सस्पेंस है। और बहुत ही अभिनय के लिए तृप्ति जी के लिए, क्योंकि ये फिल्म उनकी डेब्यू फिल्म है, तो तृप्ति तोड़नमल के लिए ये बहुत अच्छी फिल्म रहेगी, अच्छा चांस रहेगा अपनी परफॉर्मेंस को लोगों तक पहुंचाने के लिए। सुबोध भाव उनको साथ दे रहे हैं तो डेफिनेटली और अच्छी फिल्म बनी है। डेफिनेटली वो जल्दी आने वाली फिल्म है, रिलीज होने वाली फिल्म है, जाइए ये फिल्म थिएटर में देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी फिल्म है, क्योंकि इसकी प्रोमोज जो है वो बहुत कड़क बने हैं और अच्छी फिल्म रहेगी। तो जब ये फिल्म रिलीज होगी तो जरूर जाइए और देखिए सविता दामोदर परांजपे फॉर परफॉर्मेंस, क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस अलग होगा, अलग स्टैंड का काम किया होगा सभी एक्टर्स, क्योंकि जो प्ले था उसमें रीमा लागू जबरदस्त एक्ट्रेस रही है, उनका रोल जो अदा कर रही है तुच्ची तोड़नमल जी, तो वो एक कंपैरिजन हो सकता है। लेकिन अपने अपने दौर में अपने अपने स्टाइल में एक्टर्स काम करते हैं, तो जरूर ही सुपर डुपर हिट रहेगी ये फिल्म। अच्छी फिल्म में अच्छा म्यूजिक है, अच्छी सिनेमाटोग्राफी, अच्छा इफेक्ट है, अच्छे सब कुछ अच्छा है। अभी ये फिल्म देखने के बाद आपको जरूर लगेगा कि बहुत अलग स्टाइल का अलग सब्जेक्ट लेकर ये फिल्म आ रही है सविता दामोदर परांजपे पे, तो तैयार हो जाइए ये फिल्म देखने के लिए जल्दी ही। तब तक मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, अगली फिल्म लेकर जल्दी आऊंगा ठाकुर के बिंदास बोल में। तब तक के लिए लव यू दोस्तों, तो मिलते हैं ठाकुर के बिंदास बोल में।